हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई के अरब सागर में शुरू होगा एक्वा पर्यटन। महानगर के अरब सागर में एक्वा पर्यटन शुरू करने की जानकारी मत्स्य पशु और दुग्ध विकास मंत्री महादेव जानकार ने दी है। उन्होंने कहा कि मत्स्य व्यवसाय में महाराष्ट्र देश में 7वें नंबर से 5वें स्थान पर आ गया है। जल्द हम 3रे स्थान पर पहुंच जाएंगे और भविष्य में राज्य पहला पायदान पर होगा। मौजूदा समय में राज्य में सालाना खारे पानी में 4-6 मैट्रिक टन और मीठे जल में 2 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। जानकार ने बुधवार को मुंबई के समुद्री सुरक्षा, मत्स्य व्यवसाय, व्यापार और प्रदूषण आदि का जायजा लिया। कई मछली मारने वाले नौकाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया जेट्टी के स्थान पर एक्वा टूरिज्म विकसित किया जाएगा। राज्य के समुद्री किनारों पर जेट्टी विकसित की जा रही है। नॉर्वे की तर्ज पर ससून डॉक का वैश्विक स्तर का विकास किया जा रहा है। मछुआरों के लिए विशेष समुद्री यातायात ऐप बनाया गया है। इसके तहत 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर मछली पकड़ने वाले नौकाओं की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। प्रदेश में मत्स्य बीज केंद्र के माध्यम से आयात रोका जा सकता है और राज्य निर्यात करने में सक्षम बनेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 114 करोड़ मत्स्य बीज की मांग है और 60 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन में राज्य सक्षम है। नील क्रांति योजना और फीड एंड सीडे के माध्यम से उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। मत्स्य कारोबार के लिए 50% अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में मत्स्य कारोबार के लिए 4.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर पानी उपलब्ध है। जल संसाधन विभाग के अधीन 2,579 तालाब हैं और जिला परिषद के 20,000 तालाब हैं। इन तालाबों के माध्यम से मत्स्य उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। जानकार के मुताबिक आधुनिक पद्धति का इस्तेमाल कर गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ने वाले पर अंकुश लगाने की कार्यवाही की जा रही है। परसीन नेट का इस्तेमाल करने वाले 122 नौकाओं पर दंतात्मक कार्यवाही की गई है। LED से मछली पकड़ने वाली नौकाओं का लाइसेंस रद्द किया गया है। मछुआरों को नई तकनीक के माध्यम से मत्स्य पालन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। मत्स्य पालन के लिए 5 मत्स्य पालन संघों के लिए नर्मदा अथॉरिटी के माध्यम से 100% सब्सिडी के लिए 240 पिंजरों को उपलब्ध कराया गया है। राज्य में 30 मछली बीज केंद्र हैं और नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुंबई से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।